बड़ी खबर चंडीगढ़ से, विधानसभा स्पीकर से बजट सत्र पर खास बातचीत, विधायकों की कोरोना रिपोर्ट जरूरी नहीं होगी, थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही विधायकों को एंट्री, टेम्परेचर ज्यादा मिलने पर होगा आरटीपीसीआर टेस्ट, विधायकों को टैब मिलेगी, बजट की सारी जानकारी उसमें होगी, हरियाणा विधानसभा को पेपरलेस करने की तैयारी, पेपरलेस से 15 करोड़ रुपए की बचत होगी, सभी विधायकों को मिलेगी 3 साल तक ट्रेनिंग, 3 साल में पुराना रिकॉर्ड हो जाएगा ऑनलाइन। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर, विधानसभा स्पीकर से बजट पर खास बातचीत हरियाणा न्यूज ने किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि विधायकों की कोरोना रिपोर्ट जरूरी नहीं होगी, विधानसभा सत्र के दौरान थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही विधायकों को एंट्री मिल जाएगी, साथ ही टेम्परेचर ज्यादा मिलने पर होगा आरटीपीसीआर टेस्ट, विधायकों को टैब मिलेगी, बजट की सारी जानकारी उस टैब में होगी, हरियाणा विधानसभा को पेपरलेस करने की तैयारी, ये बात विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पेपरलेस से 15 करोड़ रुपए की बचत होगी, सभी विधायकों को मिलेगी इसके लिए 3 साल की ट्रेनिंग, 3 साल में जो पुराना रिकॉर्ड है उसको ऑनलाइन कर दिया जाएगा, ये बात विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि विधायकों की जो कोरोना रिपोर्ट है वो बजट सत्र के दौरान जरूरी नहीं होगी, थर्मल स्क्रीनिंग के बाद उनको विधानसभा में एंट्री की इजाजत होगी, लेकिन अगर टेम्परेचर ज्यादा मिलता है उस स्थिति में आरटीपीसीआर कराया जाएगा, साथ ही विधायकों को टैब में मिलेगी पूरी बजट की जानकारी, ये बात भी उन्होंने कही है। हरियाणा विधानसभा को पेपरलेस करने की तैयारी चल रही है और इसको लेकर कल एमओयू भी साइन हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा है कि पेपरलेस से 15 करोड़ रुपए की बचत होगी, सभी विधायकों को इसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी, 3 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी और 3 साल में जो पुराना रिकॉर्ड है उसको ऑनलाइन कर दिया जाएगा, ये बात ज्ञानचंद गुप्ता ने कही है खास बातचीत में। बड़ी खबर जिससे आपको रूबरू करा रहे हैं, विधायकों की कोरोना रिपोर्ट जरूरी नहीं होगी इस बार बजट सत्र में एंट्री के दौरान, लेकिन उनकी थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही उनको विधायकों को एंट्री दी जाएगी, लेकिन अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है उस स्थिति में आरटीपीसीआर टेस्ट विधायकों को कराना होगा, विधायकों को टैब में मिलेगी बजट की सारी जानकारी, हरियाणा विधानसभा को पेपरलेस करने की तैयारी और इसको लेकर कल एमओयू साइन किया था ज्ञानचंद गुप्ता ने। इस दौरान उन्होंने बताया है कि कैसे पेपरलेस विधानसभा होने के बाद सरकार को 15 करोड़ रुपए की बचत होगी, साथ ही 3 साल में जो पुराना रिकॉर्ड है विधानसभा का वो उसको ऑनलाइन कर दिया जाएगा। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर जिससे रूबरू करा रहे हैं आपको, एक तरफ देश में कोरोना के आंकड़े अब बढ़ रहे हैं, कई राज्यों से कोरोना के आंकड़े बढ़ने की खबरें आ रही हैं और उस बीच ज्ञानचंद गुप्ता का बयान आया, उन्होंने कहा है कि बजट सत्र में विधायकों के एंट्री के लिए कोरोना टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो जरूरी नहीं होगी, हालांकि उनका टेम्परेचर लिया जाएगा, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो फिर उन्हें टेस्ट कराने की बात कही गई है, सभी जो विधायक हैं उनको 3 साल तक ट्रेनिंग दी जाएगी, 3 साल में जो पुराना रिकॉर्ड है उसको ऑनलाइन कर दिया जाएगा। तो खास बातचीत विधानसभा स्पीकर ने हरियाणा न्यूज से की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि विधायकों की कोरोना रिपोर्ट जरूरी नहीं होगी बजट सत्र के दौरान विधानसभा में एंट्री के लिए, हालांकि थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही विधायकों को एंट्री दी जाएगी, लेकिन अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो उस स्थिति में आरटीपीसीआर टेस्ट कराना होगा, विधायकों को टैब में, इस बार विधायकों को टैब में बजट की सारी जानकारी होगी,
हरियाणा विधानसभा को पेपरलेस करने की तैयारी चल रही है। एमओयू साइन इसके लिए किया गया है और विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि कैसे पेपरलेस विधानसभा होने के बाद सरकार को 15 करोड़ रुपए की बचत होगी। सभी विधायकों को मिलेगी 3 साल तक ट्रेनिंग। जो पेपरलेस विधानसभा बनाया जाएगा उसके लिए विधायकों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ये ट्रेनिंग जो है 3 सालों तक दी जाएगी और इस दौरान सभी विधायक जब ट्रेंड हो जाएंगे पूरी तरह से तो विधानसभा जो है वो पूरी तरह से पेपरलेस हो जाएगा और जो 3 साल में जो रिकॉर्ड्स हैं उनको, जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं उनको भी ऑनलाइन कर दिया जाएगा। ये बात विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस बार जो बजट सत्र की शुरुआत हो रही है उसमें विधायकों को एंट्री के लिए कोरोना रिपोर्ट जरूरी नहीं है, टेम्परेचर से ही उन्हें विधानसभा में एंट्री दी जाएगी थर्मल स्क्रीनिंग करके। लेकिन अगर टेम्परेचर ज्यादा है उस परिस्थिति में उन्हें टेस्ट कराना होगा।